तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो 5 लोग फोन यूज करते हैं उनमें से 3 लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं स्मार्टफोन तो लगभग यूजलेस है इंटरनेट के बगैर। और जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे फोन्स के अंदर वायरस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और वायरस के अब इतने सारे अपने फॉर्म्स हो गए, मतलब वायरस हो गया, मालवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर आने लगी हैं। तो कैसे हम अपने फ़ोन को रखें सुरक्षित इन चीज़ों से, साथ के साथ अगर हमारे फ़ोन में किस तरीके से वायरस आ गया है तो उसको कैसे करें दूर, और वायरस आने के आपके फ़ोन में सिम्टम्स क्या हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको सिम्टम्स, उनसे बचने के तरीके और अगर आ गया है तो उसको रिमूव कैसे किया है, तीनों चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सिम्टम जो है, अगर आपके फोन के अंदर अनवांटेड पॉपअप ऐड आने लगे, मतलब कि काफी आप कुछ काम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कोई ऐप खोल रहे हैं और इंस्टेंटली पूरी स्क्रीन पे एक ऐड बन के आ जाता है, तो समझ लीजिएगा आपके फोन के अंदर एडवेयर आ गया है। ये भी एक तरह के वायरस का सिम्टम, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं और बार बार आपको ऐड नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो आपको अनवांटेड ऐप या अनवांटेड आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बात करता है। ये एक तरह का एडवेयर है। जब आपको कोई ऐसा पॉपअप ऐड आए तो उस पर क्लिक मत कीजिएगा, उस वेबसाइट पर मत जाइएगा, उस ऐप डाउनलोड के लिए मत जाइएगा। दूसरे अगर मैं सिम्टम की बात करूं, अगर आपका डाटा जो है वो इंस्टेंटली खत्म हो रहा है या बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है, आपको 1.5 GB एक दिन का मिला है लेकिन आपने पूरा यूज़ भी नहीं करा, लेकिन दोपहर होते होते वो 1.5 GB जो है लगभग खत्म हो चुका है, तो समझ लीजिएगा आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ चुका है। क्योंकि अगर आप डाटा यूज़ नहीं कर रहे तो कोई और उस डाटा को यूज़ कर रहा है। कई बार क्या होता है, वायरस के फॉर्म में कोई सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाता है और अपने पीछे से बैकग्राउंड में उसको डाटा को अपलोड भी कर रहा है और डाउनलोड भी कर रहा है। तो आप तो डाटा यूज़ कर नहीं रहे लेकिन वो वायरस उस डाटा को यूज़ करके आपका लॉस करवा रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूँ, अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन है और आपकी अनवांटेड बिल आ रहे हैं, मतलब कि किसी को SMS भेजे जा रहे हैं, किसी को मेल भेजे जा रहे हैं, डेटा यूज किया जा रहा है, अनवांटेड नंबरों पे कॉल की जा रही है, तो समझ लीजिएगा वायरस इस काम को अंजाम दे रहा है, आप नहीं अंजाम दे रहे। आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं उस सिम कार्ड की कंपनी के सर्विस सेंटर में जाके, बिल अपना निकलवा के देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी जगह मैसेज भेजा है या डाटा कैसे यूज़ किया है या फ़ोन कॉल किसको किए हैं। अगर आपने वो कॉल नहीं किया या मैसेज नहीं किए हैं तो इंस्टेंटली अपने फ़ोन को करिएगा रीसेट। कैसे रीसेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बता रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इससे अगले अगर सिम्टम की बात करूँ तो अगर आपका फ़ोन जो है ओवरहीट हो रहा है, मतलब रखे रखे आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हीट हो रहा है, गेम नहीं खेल रहे हैं फिर भी हीट हो रहा है, या फिर आपका फ़ोन जो है काफ़ी स्लो हो गया है, मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो पहले दे रहा था, तो ये भी एक वायरस की निशानी है। क्योंकि क्या होता है कि आप तो फ़ोन को यूज़ कर नहीं रहे लेकिन बैकग्राउंड में जो वायरस है वो प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है, रैम को यूज़ कर रहा है, स्पेस को यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में स्पीड भी स्लो हो गई है और आपने फोन को रखा हुआ है लेकिन वो गर्म हो रहा है क्योंकि वो एक तरह से प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहा है आपके फोन की। इससे अगले सिम्टम की अगर बात करूँ, आपके फोन के अंदर अनवांटेड ऐप डाउनलोड हो रही है, ऑटोमेटिक ऐप डाउनलोड हो रही है, आपको आपने कोई ऐप डाउनलोड नहीं करी है फिर भी आप जब स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि नई ऐप डाउनलोड हो चुकी है, तो ये भी एक वायरस का अटैक आपके फ़ोन पे हो सकता है। क्योंकि वायरस क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने साथियों को भी बुला लेता है और अलग अलग फाइल्स को उसके अंदर इंक्रीज करता चला जाता है और फोन को इतने बुरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है कि आपका फ़ोन हैंग हो जाए या फ़ोन जो है वो ख़राब हो जाए। तो अगर कोई अनवांटेड ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो रही है तो उससे तुरंत बचिएगा, और सिम्टम्स अगर ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो मैं इंस्टेंटली आपको बताऊंगा अभी कि क्या आप करिएगा उसके बाद। इससे अगले सिम्टम की अगर बात करूं, अगर आप फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इंटरनेट से या आपने वाईफाई ऑन नहीं करा है, उसके बावजूद अगर डाटा से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके फ़ोन के अंदर वायरस हो सकता है। क्योंकि वायरस क्या करता है, आपके फ़ोन के कंट्रोल्स को अपने हाथ में ले लेता है और अगर आप नहीं चाहते फिर भी वो कंट्रोल उसके हाथ में, तो ऑटोमेटिक वो डाटा से भी कनेक्ट हो जाता है और वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्ट हो जाता है और आपके फोन का जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको सेंड कर सकता है किसी दूसरे सर्वर पे या फिर रिसीव कर सकता है वायरसेस की और सारी फाइल, ताकि आपके फोन को और नुकसान पहुंचा सके। तो ये तो कुछ सिम्टम जो अगर आपके फ़ोन के अंदर वायरस है तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर ऐसे सिम्टम आपके फ़ोन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए, मतलब कि कैसे आपके फ़ोन के अंदर वायरस ना आए, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ये करनी है कि आपको जो भी ऐप डाउनलोड करनी है वो आपको ट्रस्टेड स्टोर यानी कि गूगल के प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करनी है, किसी और जगह से डाउनलोड नहीं करनी है। और जब आप किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो क्योंकि गूगल का प्ले स्टोर भी एक सर्टन टाइम तक सेफ है, उसमें भी कई बार वायरसेस वाली ऐप आ जाती हैं, तो ऐसे में जब आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो नीचे जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, उसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स देख लीजिएगा। अगर रिव्यूज़ पढ़ने के बाद आपको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ये ऐप सही है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आप अननोन जो सोर्सेज है उनसे आप ऐप मतलब अपने फ़ोन के अंदर डालिएगा। मान लीजिए कोई बोलता है कि ब्लूटूथ के थ्रू मैं आपकी तरह को ऐप दे देता हूँ या फिर लैपटॉप के थ्रू ऐप ले लेते हैं, केबल लगा के कहीं दूसरी USB से OTG से अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा अपने फ़ोन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही ऐप आप डाउनलोड कीजिए। इवन आपके फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है,
अननोन रिसोर्सेज, यानी अननोन रिसोर्सेज अगर आपका ऑफ है तो उसको आप ऑन मत कीजिए, क्योंकि ऑन करने के बाद होता है कि अननोन रिसोर्सेज से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑफ है तो उसको ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि ऑन करने के बाद आप कहीं से भी आप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं और कई बार वायरसेस वाली जो फाइल है उसको अननोन रिसोर्सेज को ऑन कर देती हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके डेटा का यूजेस ज़्यादा हो रहा है तो डेटा के ऑप्शन में जाके, फ़ोन की सेटिंग्स में डेटा के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कौन सी ऐप आपके डेटा को ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो उस ऐप को आप इंस्टेंटली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका फ़ोन काफ़ी ओवरहीट हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर मतलब फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर हो रही है, तो ऐसे में आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं कौन सी ऐप जो है वो प्रोसेसिंग को ज़्यादा यूज़ कर रही है या बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर रही है, तो उस ऐप को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर से। अब बात आती है कि फ़ोन के अंदर अगर वायरस आ गया है तो इन ऐप को अनइंस्टॉल करना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको एरोप्लेन मोड के अंदर जाना है, क्योंकि एरोप्लेन मोड के जाने के बाद ही ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हैं इस तरीके की ऐप्स, क्योंकि इनका इंटरनेट से कनेक्शन टूट जाता है। उसके बाद आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ऐसी सारी ऐप जो आपके लिए अनवांटेड, आपके लिए वो उस काम की नहीं है, तो उस ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। रीसेट करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर आप डाउनलोड कर लीजिएगा कोई एंटीवायरस जब ऑन होता है, तो ऐसे में आपको अवस्थ का एंटीवायरस मिल जाएगा, आपको मैकेफे का एंटीवायरस मिल जाएगा, आपको AVG का एंटीवायरस मिल जाएगा, आपको कैसर स्काई का आपको एंटीवायरस मिल जाएगा। काफ़ी सारे एंटीवायरस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन को थोड़ा सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ गया है तो उससे बचने के लिए, अगर नहीं आया है तो भी बचने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।